गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू मयंक मैथानिया यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। टुडे वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 25 ऑफ बालाजी मेंसुरेशन। ठीक है, और ध्यान रखिए, बहुत सारे लोगों का ये क्वेरी आ रहा है कि सर हिंदी बताइए। तो हम दोनों भाषाओं, इसीलिए हम हिंदी में इसका ट्रांसलेशन कर देते हैं, आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो मैं वीडियो बना रहा हूँ दोनों ही लैंग्वेज में, इसलिए आप लोग कोई ये मैसेज ना करे कि हिंदी में बनाए इंग्लिश में बनाए। ठीक है बेटा, फिर आइए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। इसको बात करने से पहले आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 25 पे हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, द एक्सटर्नल डायमेंशन ऑफ ए क्लोज्ड वुडन बॉक्स, एक लकड़ी का बंद बक्सा है जिसकी लेंथ कह रहा है 48 सेंटीमीटर, समझ में आ रहा, चौड़ाई जो है यानी ब्रिथ 36 सेंटीमीटर, फिर इधर जो है हाइट क्या है, हाइट जो है 30 सेंटीमीटर। ठीक, ये क्लोज्ड बॉक्स है, उसमें लेंथ ब्रिथ हाइट दे रखा है। फिर कह रहा है वो भी एक्सटर्नल डायमेंशन है बेटा, इस चीज को समझना, बक्सा का ये एक्सटर्नल डायमेंशन है। ठीक है, एक्सटर्नल डायमेंशन का मतलब समझ रहे हैं, बाहर से बक्सा जो है वो इन लंबाई का है। ठीक है, अच्छा फिर क्या, यानी उसकी कुछ मोटाई होगी बक्से की, मान लीजिए लकड़ी का है, वुडन का है ना, कुछ मोटाई होगी, तो वो मोटाई क्वेश्चन में थिकनेस दे रखा है। ठीक है, थिकनेस यानी मोटाई कितनी है बेटा, तो मोटाई आप कहोगे ये है 1.5 सेंटीमीटर यानी 1.5 सेंटीमीटर। तो ध्यान सुनिएगा, अब बक्सा में जैसे मुझे लेंथ कम करनी है, तो बेटा डेढ़ इधर से कम होगा तो डेढ़ इधर से। ठीक है, यानी टोटल लेंथ बेटा 3 सेंटीमीटर कम हो जाएगी ना, तो यहाँ 48 माइनस मैं क्या करूँ 3 करूँ, ये क्या हो जाएगा 45 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी तरह से ब्रेथ भी 1.5 मीटर, उसकी क्या होगी चौड़ाई इधर से भी कम होगी और इधर से, मतलब डेढ़ इधर से भी कम होगी और डेढ़ इधर से भी। तो आप देखोगे डेढ़ डेढ़ यानी यहाँ पे 1.5 कम होगा, तो जो ब्रीथ है वो हम क्या करेंगे 36 में 3 सेंटीमीटर घटाएंगे तो 33 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हाइट आओ देख लो, हाइट क्या है बेटा 30 सेंटीमीटर है, तो वो भी हाइट ऊंचाई भी क्या होगी डेढ़ इधर से कम होगी डेढ़ इधर से, तो यहाँ 3 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा 27 सेंटीमीटर इसकी लेंथ ब्रीथ एंड हाइट हो जाएगी। ठीक, अब आप बात कर लेते हैं, कहने द बॉक्स इतना हो गया, हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ साइज इतने इतने यानी 6 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 0.75 मीटर कैन बी पुट इन द बॉक्स। तो बॉक्स में एक ब्रिक, जिसकी एक ब्रिक, ब्रिक माने ईंटा बेटा। ठीक है, तो एक ब्रिक जिसकी, ठीक है, लेंथ ऑफ, यहां पे लिखिए लेंथ ब्रीथ एंड हाइट ऑफ, लेंथ ब्रेथ हिंदी मीडियम वाले, लंबाई चौड़ाई एंड हाइट यानी ऊंचाई, ठीक है, ऑफ वन ब्रिक इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे 6 सेंटीमीटर फिर इंटू में 3 सेंटीमीटर और इंटू में 0.7 सेंटीमीटर, मतलब ये एक ईंटा है। ठीक है, ईंटा आप जानते हो क्यूबॉइडल शेप का होता है यानी घनाभ के आकार का होता है, इसकी लेंथ ये है 6, ब्रीथ क्या है आप कहोगे 3, जबकि हाइट जो है 0.7 है, वही इसमें ला के रखना है ऐसे, फिर ऐसे, तो ऐसे कितने ईंटे आ सकते हैं। ठीक है, इसमें रखने के लिए, समझ रहे हो, है ना, तो क्या करेंगे इसका हम वॉल्यूम निकालेंगे, ऊपर वाले पहले बक्से का अंदर जो भाग है जिसमें ईंटे रख सकते हैं वो वाला भाग निकालेंगे, डिवाइड कर देंगे एक ईंटे के वॉल्यूम से। तो यहाँ सबसे पहले हम लेंथ ऑफ ये है, सो वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, सो वॉल्यूम यानी एक ईंटे का आयतन, सो वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, तो आप कहोगे एक ब्रिक का वॉल्यूम कितना होगा, तो आप कहोगे 6 × 3 × 0.75। तो बेटा इसको बूढ़ा मत करने लगना, इसको ऐसे रहने ना, क्योंकि बहुत सारी वैल्यू कटेंगी। ठीक है, और यहाँ पर भी बक्से का भी वॉल्यूम निकाल लो, यहाँ लिख लेना आल्सो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, बॉक्स का वॉल्यूम बेटा क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे 45 × 33 × क्या होगा 27। ठीक है, अब इसको गुणा करने मत लगना, अब यहाँ लिखोगे टोटल नंबर ऑफ ब्रिक, टोटल टोटल नंबर
of brick. Total number of bricks come in box. ठीक है, comes in box. तो यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा, डिवाइड कर लीजिए तो आपकी बड़ी वैल्यू यानी बक्से की जो वैल्यू है वॉल्यूम है वो यहाँ पे हो जाएगा. ठीक, अब एक ब्रिक का देखो वॉल्यूम क्या है, तो आप कहोगे 6 × 3 × 0.75. आप जानते हैं दशमलव हटाओगे तो 100 नीचे की जगह हम क्या कर लेते हैं, यहाँ बढ़ा लेते हैं. अब यहाँ देखोगे 25 × 3 = 24, 25 × 4 = हो जाएगा 3 × 1 = 3 = 11, फिर यहाँ देखो 3 × 1 = 3 = 9, फिर यहाँ देखिए 2 × 3 = 2 × 2 = 3 × 1 = ठीक है, और यहाँ 3 × 5 = तो नीचे कोई वैल्यू बच नहीं रही है, ऊपर जो बच रहा है वो 15 बच रहा है, 11 बच रहा है, 9 बच रहा है और 2, तो 9 × 2 = 18 हो गया बेटा. 15 और इसका मल्टीप्लीकेशन करोगे ठीक है, तो ये जो आएगा वो आएगा 11 × 5 = 55. ठीक है, 11 × 5 = 55, 11 × 1 = 11, 11 और 5 का मल्टीप्लीकेशन करोगे 16. ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 × 5 = बेटा कितना आता है 90. फिर कहोगे